हम एक हफ्ते के अंदर अगले सोमवार को 10 तारीख को सभी स्टोन क्रशर वाले अपने परिवार के साथ डीएमओ के दफ्तर के बाहर आत्मदाह करेंगे और खुद नहीं जलेंगे, पहले इस हरामजादे डीएमओ को जलाएंगे जिंदा। इस हरामजादे नाली के कीड़े को पहले जिंदा जलाएंगे, उसके बाद खुद को आग लगाएंगे। जो वर्तमान दौर में डीएमओ जम्मू है अंकुर सचदेवा, सही मायने में हरामजादा नाली का कीड़ा, एक इतना घटिया इंसान। मैं तो उसके माँ बाप को भी कोसूंगा कि तुम कितने घटिया माँ बाप हो, बेच रहा है। और फिर वो गरीब एक ट्राली वाला, दो खच्चरों और घोड़ों वाला जो भुखमरी के कगार पे आ गया, उसके घर में राशन क्या इस अंकुर सचदेवा का बाप डालेगा या माँ डालेगी? इस अंकुर सचदेवा ने पूरी की पूरी तवी को बेच दिया है। मेरा वो मैसेज आप देख सकते हो जो मैंने टिपकॉम को लिखा था कि अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी मैं खुद को भी गोली मारूंगा और आपके एक मेंटलिस्टिक अफसर को गोली मारूंगा। ऊपर टिपकॉम है, एसएसपी है, एसपी है, एसएचओ है, चौकी अफसर है, सारे मेरे से पैसे लेते हैं। डीएमओ जम्मू के खिलाफ एक केस रजिस्टर्ड है, क्यों एंटी करप्शन ब्यूरो ने फाइल को बंद किया है? एंटी करप्शन ब्यूरो के हेड अनंत जैन साहब बहुत ही शरीफ और ईमानदार आदमी है, क्योंकि हमारा जो दलाल है अंकुर सचदेवा हरामजादा, उसने एक बीड़ा उठा लिया है कि वो पूरी की पूरी तवी को बेचेगा। और अंकुर कहता है मैं एसएसपी जम्मू और डीपकॉम जम्मू को महीना देता हूँ, मुझे कहता है रंधावा साहब जो करना कर लो, ये पैसे आपको देने पड़ेंगे। मेरे मुंह से भी कुछ अल्फाज निकले, मुझे कहता तुम्हारे ऊपर भी है, मैंने कहा कौन है? कहता डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एजेंट भारत भूषण मेरे से हर हफ्ते पैसे लेता है। यहाँ तक कि हमारे एक अधिकारी जिनके तलुए ये डीपकॉम चाटता है, और बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है दलाल पैदा करने में। अब जितेंद्र सिंह ने अगर दलाल पैदा किए हैं तो जितेंद्र सिंह जवाब देगा, विक्रम रंधावा उससे जवाब मांगेगा। होने का जो आज विषय है, मैं आप सबसे परिचित हूँ, आप भी हमसे परिचित हो और एक दूसरे को हम बाय नेचर भी जानते हैं। स्टोन क्रशर ओनर एसोसिएशन की तरफ से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और हमने सोचा था कि आज प्रेस क्लब में बैठेंगे, लेकिन वहाँ बंद होने के कारण आज हमने अपने घर पे ही आपको बुलाया है। ये मेरे साथी सभी हमारे स्टोन क्रशर्स तवी के अंदर हैं, और सभी यूनिट होल्डर्स बकायदा रजिस्टर्ड अपनी ओन मालकी ज़मीनों के ऊपर स्टोन क्रशर विद ड्यू परमिशन लगा के पिछले 12-15 साल से काम कर रहे हैं। मैं 2 मिनट पहले आपको बता दूँ, क्योंकि आज ये थोड़ी इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, क्योंकि शायद हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। हो सकता है मैं भावुक हो के अनपार्लियामेंट लैंग्वेज भी इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि उसको छुपाइएगा मत। अगर मैं किसी अफसर के ऊपर अब्सर्ड लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा तो उसको कवर मत कीजिएगा, उसके कानों तक पहुंचने दीजिएगा, ताकि उसको एहसास हो कि उसकी वजह से कितने घर जो है तबाही होने की कगार पर आने वाले हैं। तवी के अंदर 2017 तक, तकरीबन अगस्त 2017 तक सब कुछ बड़ा सामान्य था, जॉर्जियन माइनिंग के माध्यम से माइनिंग चलती थी, सब यूनिट होल्डर्स ठीक से काम कर रहे थे, गवर्नमेंट के घर में भी रेवेन्यू आता था। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों ने 2017 में PIL लगाई थी, आपको पता है, कोर्ट में, कि तवी को बचाना है, तवी के अंदर इलीगल माइनिंग चलती है। लेकिन उस PIL में कहीं नहीं लिखा गया था कि तवी के अंदर, तवी की जब मैं बात करूंगा खाली जम्मू नहीं, बड़ियाल ब्रह्मणा से रामनगर तक तकरीबन 45 स्टोन क्रशर तवी के किनारों पे, तवी से दूर अपनी माल की ज़मीनों पे क्रशर वाले बैठे हुए हैं जो गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड लाइसेंसी होल्डर्स हैं। और कहीं भी PIL में ये नहीं लिखा गया कि ये जो माइनिंग होती है ये क्रशर वाले करते हैं, ये चोर हैं, या माइनिंग कौन करता है। लेकिन माइनिंग इलीगल होती है, ये PIL थी। हाई कोर्ट डबल बेंच ने इसका सीरियस कॉग्निजेंस लिया और एक ब्लैंकेट बैन ऑर्डर कर दिया कि माइनिंग तवी के अंदर टोटल बंद। उसमें हम लोग हाई कोर्ट में गए कि सर हमारा क्या कसूर है, हम तो इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट आलू बनाने वाले, पोटैटो चिप्स बनाने वाले इंडस्ट्री को भी सब्सिडी देती है कि तुम कहीं से आलू लाते हो तो हम आपको किराया देंगे, आप अपनी फैक्ट्री चलाओ, हम तो गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांग रहे, अगर हम रॉ मटेरियल उठाते हैं हम उसकी रॉयल्टी पे करते हैं, तो हमें काम करने दो। अलबत्ता गवर्नमेंट हाईकोर्ट ने उसका सीरियस कॉग्निशन लिया, डिपकॉम को भी उसका पार्टी बनाया, चीफ सेक्रेटरी को भी नोटिस गया। लेकिन 2017 के बाद तवी के अंदर जो माइनिंग चली वो गैर कानूनी तरीके से खुलम खुला चली, और पूरे का पूरा जॉर्जियन माइनिंग डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व रहा, और तकरीबन जो भी DMO इस दौरान रहे उन लोगों ने खुलेआम
अपनी मंडी चलाई। खास करके मैं कहूंगा साथियों, जो वर्तमान दौर में डीएमओ जम्मू है अंकुर सचदेवा, सही मायने में हरामजादा, नाली का कीड़ा, एक इतना घटिया इंसान। मैं तो उसके माँ बाप को भी कोसूंगा कि तुम कितने घटिया माँ बाप हो जिन्होंने इस कुत्ते को पैदा किया, जो कुत्ता जम्मू कश्मीर की मिट्टी को बेच रहा है। पिछले 2 सालों से तवी के अंदर जो माइनिंग हुई है, खास करके रिंग रोड का काम चल रहा है, अखनूर का 4-वे का काम चल रहा है, आपसे कुछ छुपा नहीं, तकरीबन 2700 करोड़ के काम चल रहे हैं। और ये जो माइनिंग हुई है, हम ये कहते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट हैं, इनको स्पेशल परमिशन मिली होगी, 2 मिनट के लिए आपने इनको दे दी परमिशन। ये बाहर के लोग हैं, करोड़ों रुपए कमा के अपने घर चले जाएंगे, लेकिन जम्मू का जो इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे जैसा स्टोन क्रशर, और फिर वो गरीब एक ट्राली वाला, 2 खच्चरों और घोड़ों वाला, जो भुखमरी के कगार पे आ गया, उसके घर में राशन क्या इस अंकुर सचदेवा का बाप डालेगा या माँ डालेगी? इस अंकुर सचदेवा ने पूरी की पूरी तवी को बेच दिया है। साथियों, हमारे पास पूरा आंकड़ा है, जॉर्जियन माइनिंग के घर में पिछले 2.5 सालों से जो रेवेन्यू जाना चाहिए था रिंग रोड का, जम्मू से मुट्ठी के फ्लाईओवर का, जम्मू से अखनूर के 4-वे का, तकरीबन 350 से 400 करोड़ जाना चाहिए था, जो सिर्फ गया है 6 करोड़। बाकी पैसा कहां गया, किसके घर गया? हमने डीएमओ को पूछा, वो मुझे कहता है मुझे ऊपर जवाब देना होता है, ऊपर डिपकॉम है, एसएसपी है, एसपी है, एसएचओ है, चौकी अफसर है, सारे मेरे से पैसे लेते हैं। मैंने इसलिए आपसे कहा कि ये बड़ी इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरे किसी बात को आप छुपाना मत। मैं एक विधायक रहा हूं, एक जिम्मेवारी के साथ एलिगेशन लगा रहा हूं, ये फेक एलिगेशन नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो के पास डीएमओ जम्मू के खिलाफ एक केस रजिस्टर्ड है। क्यों एंटी करप्शन ब्यूरो ने फाइल को बंद किया है? एंटी करप्शन ब्यूरो के हेड अनंत जैन साहब बहुत ही शरीफ और ईमानदार आदमी है। इसका मतलब सेक्रेटरी से ऊपर से प्रेशर पड़ा कि इस फाइल को बंद करो, क्योंकि हमारा जो दलाल है अंकुर सचदेवा हरामजादा, उसने एक बीड़ा उठा लिया है कि वह पूरी की पूरी तवी को बेचेगा। मित्रों, हमारे क्रशर्स को लेकर नवंबर 2020 में इसने हमारे 14 क्रशर्स के ऊपर रेड किया, साथ में अखनूर के क्रशरों पे भी किया, और हमें कहने लगा कि आप लोग इल्लीगल चलते हो, आपका स्टॉक मैं चेक करूंगा और आपको पेनल्टी डालेंगे। हमने कहा आप हमारा स्टॉक चेक करो, अगर हमारे यहाँ से चोरी का सामान बरामद होगा हम पेनल्टी पे करेंगे। इसने कोई बरामदगी नहीं की, कोई रिपोर्ट नहीं डाली, कोई हमारे साइन नहीं है, और हमें नोटिस भेजा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नोटिस भेजा 10 फरवरी 2021 को 22 लाख रुपए का, इनको नोटिस भेजा 25 लाख रुपए का, इनको नोटिस भेजा 11 लाख रुपए का, ऐसे सभी क्रशर वालों को भेजा। अखनूर में भी रेड किया, वहां कुछ क्रशरों के ऊपर 1.5-2 करोड़ का स्टॉक था, उनको नोटिस भेजा 5.5 लाख का, और 25 लाख उनसे कैश लिया। इसका हमारे पास सबूत है कि किसके थ्रू पैसा गया, अंकुर सचदेवा के घर पैसा गया। उसका एक सिपा सलाहकार है जॉर्जियन माइनिंग डिपार्टमेंट का, सेक्शन अफसर भारत भूषण टकला, पिछले दिनों आरसपुरा के लोगों ने उसको ढूंढ के मारा था, और उसका ड्राइवर भानु प्रताप सिंह, ये दोनों एजेंट हैं। अखनूर बेल्ट से पैसा घुराना और अंकुर तक पहुंचाना, और अंकुर कहता है मैं एसएसपी जम्मू और डिपकॉम जम्मू को महीना देता हूं, ये जो चोरी तवी में हुई है इसकी रिकवरी मैंने कहां से करनी है, मैं आप लोगों से करूंगा। हमने हाईकोर्ट में उस पेनल्टी के खिलाफ गए, हमने हाईकोर्ट को कहा यह पेनल्टी जस्टिफाइड नहीं है, हमारे ऊपर नहीं लगती, ये जो प्रोडक्ट बता रहा है कि मेरे यहां से बरामद हुआ है वो ये साबित ही नहीं कर रहा। फिर भी हमने हाईकोर्ट को कहा अगर गवर्नमेंट हमें काम करने दे, हम कंडीशंस के साथ, शर्तों के साथ, विद अपील हम कंडीशनल पैसा दे देते हैं, लेकिन जब हमारी अपील सेटल हो जाएगी तो हमें पैसा वापस होना चाहिए। हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को क्या ऑर्डर, 19 अप्रैल को एक ऑर्डर इशू किया, पेपरों में भी आया कि डिपकॉम जम्मू, उसकी टीम और जॉर्जियन माइनिंग डिपार्टमेंट, जितने भी क्रशर बंद हुए हैं उनको, अगर उनकी को पेनल्टी बनती है, पेनल्टी का 10% लेकर 36 किस्तें करके उनको परमिशन दे दो। हम लोगों ने मन बनाया, हालांकि मैं तैयार नहीं था,
मैंने कहा अगर मैं मान गया कि मेरा 22 लाख में पेनल्टी निकलती है, इसका मतलब मैं चोर हूं और मैंने कन्फेस किया है, मैं नहीं मानूंगा। इन लोगों ने मुझे बोला रंधावा साहब हमें बिजनेस करना है, काम करने दीजिए, बाकी लड़ाई लड़ेंगे कोर्ट में, अगर हम साबित हो गए हमें पैसा वापस मिल जाएगा। हमने कहा गो हेड, हमने अंडरटेकिंग बनाए। जब अंडरटेकिंग देने की बारी आई तो इस हरामजादे ने क्या किया इसको पता लग गया, ये अंडरटेकिंग देने लगे हैं, अब तभी की बेल्ट चल पड़ेगी। अखनूर में जो इसके बाप इसको मीना देते हैं, जिनसे ढाई ढाई तीन तीन लाख रुपए ये मीना लेता है, वो इसको काम नहीं करने देंगे। इसने हमें 27 तारीख को नए नोटिस निकाले और बन गया, मतलब आगे अब मैं 97 लाख रुपया गवर्नमेंट के घर में दूंगा तो मैं काम कर सकूंगा, वरना मैं नहीं कर सकूंगा। मैंने डिप्टी डायरेक्टर, रोड डायरेक्टर और कमिश्नर को साफ कह दिया, हम में से कोई भी व्यक्ति जो है ना तो चोर है ना हम पेनल्टी भरेंगे। हाँ, हमने एक तय कर लिया है, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर इस पेनल्टी को सेटल नहीं किया गया, इसको वेव ऑफ नहीं किया गया, हम एक हफ्ते के अंदर अगले सोमवार को 10 तारीख को सभी स्टोन क्रशर वाले अपने परिवार के साथ डीएमओ के दफ्तर के बाहर आत्मदाह करेंगे। मैं विद अथॉरिटी एक विधायक होने के नाते आपको बता रहा हूं, और खुद नहीं चलेंगे, पहले इस हरामजादे डीएमओ को जलाएंगे जिंदा, इस हरामजादे नाली के कीड़े को पहले जिंदा जलाएंगे, उसके बाद खुद को आग लगाएंगे। 3 दिन पहले मेरी इससे बात हुई, मुझे कहता रंधावा साहब जो करना कर लो, ये पैसे आपको देने पड़ेंगे। मेरे मुंह से भी कुछ अल्फाज निकले, मुझे कहता तुम्हारे ऊपर भी है, मैंने कहा कौन है, कहता डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एजेंट भारत भूषण मेरे से हर हफ्ते पैसे लेता है, उसको पूछो किस बाप के लिए पैसे लेता है। मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को फोन किया, उसने मेरे फोन नहीं उठाए। मित्रों, हम जम्मू वालों की बदकिस्मती रही है, हम लड़ाई लड़ते रहे हैं कि हमें सन ऑफ द साइल अफसर चाहिए, जम्मू का आईपीएस चाहिए, जम्मू का आईएएस चाहिए। आज जम्मू के आईपीएस आईएएस अफसर ने हमारा जीना हराम कर दिया है। ये चंदन कोहली, ये हमारा डिपकॉम, जिसको डिपकॉम जम्मू लगाने के लिए हम भी लड़ रहे थे, मैंने मुबारक दी थी अपने डिपकॉम लंगर को कि तुम सन ऑफ द साइल हो। जिस दिन ये नोटिस निकला तब से लेके अब तक मैंने 32 कॉले की राघव लंगर को कि हमारी बात सुनो, उसने मेरा फोन नहीं उठाया और मुझे आगे कह रहा आई विल कॉल यू बैक। मैंने उसको लिखा आई नो यू विल नॉट कॉल मी बैक एंड आई विल शूट वन ऑफ यूर मेंटली सिक अफसर। उसके बावजूद भी मेरा वो मैसेज आप देख सकते हो जो मैंने डिपकॉम को लिखा था कि अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी मैं खुद को भी गोली मारूंगा और आपके एक मेंटली सिक अफसर को भी गोली मारूंगा। लेकिन उसने आज तक मुझे फोन नहीं किया, यहां तक कि हमारे एक अधिकारी जिनके तलवे ये डिपकॉम चाटता है उनको भी मैंने बताया, उन्होंने इसको फोन किया भाई वो टेंशन हो रही है, रंधावा साहब से बात करो, पूरी घर जो है खराब होने की कगार पे आ गए। 3 दिन हमारे घरों में मित्रों, 3 दिन हमारे बच्चों ने रोटी नहीं खाई, हमारे घर में कलेश बना रहा कि हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, ऐसे हाल बन गए पानी घर बड़ा। लेकिन आज तक डिपकॉम जम्मू ने एक बार हमें बुला के पूछना नहीं ठीक समझा, बताओ तो क्या है। तो मित्रों, मैंने आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर की है, हमारी मरने की बारी आ चुकी है, इनमें से मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, पहली गोली भी मारूंगा तो खुद को मारूंगा, पहले आग भी लगाऊंगा तो खुद को लगाऊंगा, लेकिन पहले उस हरामजादे डीएमओ को आग लगाऊंगा, पहली गोली भी मारूंगा उस डीएमओ अंकुर सचदेवा को गोली मारूंगा। और मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि मेरे कोई भी वर्ड्स काटना मत, इसको पीएमओ तक पहुंचाओ, इसको जितेंद्र सिंह को बताओ कि तेरे को दिल्ली इसलिए नहीं भेजा कि तू यहां पर एजेंट खड़े कर, भारत शर्मा हरामजादा हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है और हरामजादा दलाल बना हुआ है। सर, आप भी तो उसी पार्टी के हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं उस पार्टी का लीडर हूं, आज भी हूं, डंके की चोट में हूं, और बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है दलाल पैदा करने में। अब जितेंद्र सिंह ने अगर दलाल पैदा किए हैं तो जितेंद्र सिंह जवाब देगा, विक्रम रंधावा उससे जवाब मांगेगा। आपको नहीं लगता कि अपनी पोस्ट का जिस पद पे वो बैठे उसका गलत जितनी लोगों के साथ खिलवाड़ किया ना, मैं आपको बता रहा हूँ, क्या अंकुर सचदेवा, क्या उसके ऊपर जो बाप बैठे हैं या जिनको वो एजेंट कह रहा है, अगर उनको कीड़े नहीं पड़े तो आप जो मर्जी कह लेना, हमारे बच्चे अकेले भूखे नहीं मरेंगे, मरेंगे जितेंद्र सिंह के बच्चे भी, मरेंगे भारत शर्मा के बच्चे भी, और मरेंगे अंकुर सचदेवा के बच्चे भी। ये नोट करके रख लेना, विक्रम रंधावा पिछले 30 साल से बीजेपी का वर्कर है,
डॉक्टर जितेंद्र सिंह 10 साल पहले पैदा हुआ है, बीजेपी में उसको लाने वाला विक्रम रंधावा है, 2014 में उसको टिकट दिलवाने वाला विक्रम रंधावा है, ये कौन सी दुनिया में बैठा है। मैं मित्रों अगर एलिगेशन लगा रहा हूँ विद अथॉरिटी लगा रहा हूँ। अगर वो अपनी पार्टी के लोगों के साथ ही ऐसा करेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो खुद सोचिए कि आम जनता के साथ किस तरह से वो बिहेव करते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, आज आपके सोशल मीडिया पे ये कमेंट्स आएंगे कि रंधावा जी जिस तरह लागे उतन जाने, मैं खुद भुगत रहा हूँ। अगर वही कह रहे हैं सर कि जिस तरह से बाकी लोग एलिगेशन लगा रहे, लेकिन उस समय कोई भी ये साबित हो गया, ये माइनिंग के मामले में साबित हो गया कि जितेंद्र सिंह का इसमें रोल है। मुझे अंकुर सचदेवा ने कहा कि भारत शर्मा मेरे से हर हफ्ते पैसे मांगता है, मैं किस बात के पैसे दूं, मैं कहां से दूं। मित्रों 15 से लेकर 25 लाख रुपए की हर महीने की गुराई जो है वो अंकुर सचदेवा करता है। बात करने की कोशिश की, उसने मेरे फोन नहीं उठाई, वो कहता मैं मेदांता में दाखिल हूँ, भगवान करे वहां से वापस ना आए। क्या उससे ऊपर किसी आपने भारतीय जनता पार्टी को नेता नहीं, मैंने किसी से नहीं की, मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा, मेरे साथ मेरे साथी हैं जिनके सिर पे पड़ी है। आज एक्साइज वाले रो रहे हैं, ये जितेंद्र सिंह की बददुआ लग रही है, मैं आपको खुद कह रहा हूँ ये एक्साइज वालों के साथ ऐसे नहीं हुआ, ये प्लानिंग के साथ हुआ है, आज हमारे सिर पर पड़ी है ना, इसलिए हम भड़क रहे हैं। मित्रों और मैं आज अपनी लीडरशिप को कहता हूँ कि विक्रम रंधावा ने अगर बकावत की है, मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ ना अपनी लीडरशिप के खिलाफ हूँ, लेकिन जो पार्टी के है ना लोग तो भाजपा से ही है ना, जो बिल्कुल बिल्कुल वो उनको भुगतना पड़ेगा, उनको भुगतना पड़ेगा। और एक हफ्ते के अंदर अगर चीफ सेक्रेटरी ने कमिश्नर सेक्रेटरी ने ये ऑर्डर वापस नहीं लिए, अगले सोमवार को आप रिहाड़ी में ना दफ्तर का अंपला में न्यू प्लांट में आप डीएमओ के दफ्तर के बाद 11 बजे आ जाइएगा, विक्रम रंधावा सबसे पहला होगा वहां पे मिट्टी का तेल लगा के आग लगाने वालों से। मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं था, लेकिन इस हरामजादे अंकुर सचदेवा ने हमें वहां पे लाके खड़ा कर दिया है कि हमारे लिए आगे मौत के सिवा कुछ नहीं है, हमारे बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं कि हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, सारा चोरी करे ये और भुगतान करे हम, इसलिए एंटी करप्शन ब्यूरो से जम्मू के कई ट्रेडर्स बंद होने की कगार पे हैं, और उसका कारण है अंकुर सचदेवा जैसे दलाल जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस के एजेंट बन के बैठे हैं। इसने मुझे खुद कहा कि जितने चौकी अफसर हैं मेरे से महीना मांगते हैं, जितने डीएसपी हैं मेरे से महीना मांगते हैं, मैं रंधावा साहब कहां से दूं, ऐसे मुझे अंकुर ने खुद कहा। अब आप बताओ इससे ज्यादा सबूत आपको और क्या चाहिए, बाकी आप कुछ पूछना चाहते हो मैं हाजिर हूं, लेकिन मेरी कोई भी एलिगेशन गलत नहीं है। गवर्नमेंट के घर में रेवेन्यू आना चाहिए था, वो नहीं आया है, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं सबका पैसा जो है अंकुर सचदेवा के घर गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो इसके घर में रेड करे, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं करोड़ों रुपया इस रामदादे के घर से निकलेगा। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।